सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। दोषी रघुवर दास है, हमारे माननीय विधायक को भी है दोषी इस कार्य को। एक आदमी नहीं चला रहा है पूरे झारखंड को, ये विधायक लोग समर्थन करते हैं तब आज ऐसा हो रहा है। अब हम लोग विधायक के आवास को घेरेंगे और बंद करेंगे, खाना पीना इन लोग को बंद करेंगे। हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो ऐसे नहीं चलेगा। खाली एक रघुवर दास को दोषी मान लेने से नहीं होगा, सब हमारे विधायक भी दोषी हैं। हाँ, खाना पीना बंद करेंगे, आना जाना चारों तरफ दारों बंद करेंगे। अभी तो थोड़ा सा इधर हम लोग निर्मित हो गए हैं, रोड जाम करेंगे। एक विधायक बोलते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, 12,000 रुपया बढ़ गया। आपको लग रहा है 12,284 रुपया बढ़ा है? ये पहले हुआ है, आंदोलन से पहले बात हुई है। आप अभी बताते हैं कि अभी हो रहा है, तो हम उनके जगह पर हो जा रहे हैं, विधायक की जगह पर आओ, हमारे जगह पर वो काम करके देखे। विधायक बरगला रहे हैं, सरकार बिना इनके सहयोग की नहीं चल रही, सबका आवास घेरेंगे और खाना पीना बंद करेंगे, तब जाकर इन्हें समझ में आएगा। ये बोल किसी और का नहीं, उन पारा शिक्षकों का है जो 5 दिनों से घेरा डालो डेरा डालो के तहत जिला मुख्यालय में जमे हैं। बांकी विधानसभा क्षेत्र के पारा शिक्षकों की प्रखंडवार टोली पलामू मुख्यालय मेदनगर स्थित सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक राधा कृष्ण किशोर के आवास पहुंच जमकर नारेबाजी की एवं सरकार को पारा आंदोलन उग्र होने की चेतावनी भी दे डाली। पारा शिक्षकों की माने तो अब स्कूल बंद करने के अलावा रेल से लेकर सभी कार्य ठप कर दिए जाएंगे और सरकार को पारा शिक्षकों की ताकत जरूर दिखाएंगे। हम लोग आज घेरा डालो डेरा डालो राधा कृष्ण किशोर के आवास पर धरना दिए हुए हैं। सरकार से सिर्फ हमारे एक ही मांग है, समान काम का समान वेतन। अभी तक विधायक हम लोग को ठगते आए हैं, बहुत सा समय लिए कि आज कर देंगे, लेकिन हम लोग अभी तक खाली हाथ आए हुए हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड बंद करेंगे, रेलवे लाइन बंद करेंगे, सभी स्कूल को बंद कर देंगे अगर ये स्थिति रहा तो। हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग घेरा डालो डेरा डालो के कार्यक्रम चल रहा है, जैसा का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग 25 तारीख से बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन लगातार हम लोग आवास पर बैठे हुए हैं।